हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में राइट नाउ अपने पर्सन के साथ। इसमें हम यू नो यू वर्सेस देम वाले यू नो हिसाब से रीड होगी, जिसमें हम जानेंगे कि क्या चल रहा है आपके एंड से और आपके पर्सन के एंड से इस कनेक्शन में। बट इसमें हम सेपरेट कार्ड्स नहीं लेंगे अबाउट यू और अबाउट योर पर्सन, एक ही यू नो स्प्रेड होगा और उसी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है कनेक्शन के अंदर राइट ना। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में आप दोनों के दरमियान में। चाहे आप इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि इसमें हम बेसिकली आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी को टैप इन करेंगे। सो ईदर वे इट्स गोना वर्क आउट वेल फॉर यू और आपको गाइडेंस मिलेगी। इसके साथ साथ हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन एज वेल। जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फ्यूचर की, तो आई डोंट मीन द अल्टीमेट फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर की बात होगी। सो या स्टे ट्यून और लेट्स फाइंड आउट कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में आप दोनों के दरमियान में, और फिर देखेंगे कि फ्यूचर क्या होने वाला है। साथ में और गाइडेंस भी लेंगे। सो यप, लेट्स सी क्या चल रहा है इस कनेक्शन में आप दोनों के दरमियान में, लेट्स फाइंड आउट। फाइव ऑफ कप्स राइट नाउ, डिसअपॉइंटेड हो आप भी और आपका पर्सन भी। आप कहीं ना कहीं यू नो एक चीज़ तो कंफर्म है, प्यार आप दोनों के दिल में है एक दूसरे को लेकर, और शायद एक्सप्रेस म्यूचुअली नहीं हुआ, वन साइडेडली हुआ है या फिर म्यूचुअली भी हो चुका है कुछ लोगों के लिए। लेकिन राइट ना आप जितना डिसअपॉइंटेड हो अपने पर्सन में, आपका पर्सन भी उतना ही डिसअपॉइंटेड है इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन चाहे आप नो कम्युनिकेशन में हो, सेपरेशन हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, देर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपका पैचअप हो जाए। राइट ना शायद आपको लग रहा है कि ब्रिजेस जो हैं वो आपने बर्न कर दिए हुए हैं, अब कोई वे आउट नहीं है जिससे आप दोनों वापस आ सकते हो। इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं है, देर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिकन्सिलिएशन यहाँ पर। क्योंकि जो मोमेंटरीली आपकी फीलिंग है एक दूसरे को लेकर, जहाँ पर डिसअपॉइंटेड हो, हर्ट हो, बैड फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, ये मोमेंटरीली है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लास्ट करेगी। सो देर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी जहाँ पर अगर आप अभी डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, शायद आपके पर्सन ने कुछ आपसे कहा हो, शायद आप इन टच भी हो, लेकिन क्योंकि फाइट या हीटेड आर्ग्यूमेंट ऐसा था जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद ये कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, पर्सन ऐसा कुछ भी आपके जहन में थाट आ रहा है ना, इट्स मोर लाइक मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ मेजर हुआ है या फिर होगा, और उस मेजर के साथ आपको कुछ अच्छा यू नो एक ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इट्स मोर लाइक कि एक चीज़ जिसने आपके कनेक्शन को ब्रेक किया, और उस ब्रेक से ही आपके कनेक्शन में एक नई जान आएगी, जो कि जिसके जिस कनेक्शन में म्यूचुअलिटी होगी। यू नो जैसे शायद पहले जो है वो कनेक्शन उतना अच्छा या उतना स्ट्रांग या म्यूचुअल नहीं था, अब जब वो यू नो एक रीस्टैब्लिश होगा कनेक्शन, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन ये मोमेंटरीली है, जो शायद कुछ लोग देख सक रहे हैं और कुछ लोग शायद नहीं देख सक रहे हैं। लेकिन ईदर वे ये जो आपके दरमियान में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, ये मोमेंटरीली हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप इस कनेक्शन के अंदर मूवमेंट फॉरवर्ड देखोगे, जो कि स्टेबिलिटी को लीड करेगी, हार्मनी को लीड करेगी कनेक्शन में। जो एक यू नो स्टेबिलिटी है वो भी वापस आएगी, और एक हार्मनी भी वापस आएगी जो कि शायद पहले थी ही नहीं। यू नो एक ऐसी चीज़ लग रही मुझे एस ऑफ पेंटिकल के साथ, मुझे लग रहा है कि इट्स गोना गो नेक्स्ट लेवल। मेजॉरिटी लोगों के लिए कनेक्शन जो है नेक्स्ट लेवल जाएगा, और शायद काफ़ी टाइम से स्टक और स्टैगनेंट था, और इसीलिए गॉड चोज टू एंड दिस कनेक्शन, ताकि आप दोनों के दरमियान में एक नया यू नो एक जैसे होता है ना, आप स्लेट जो है वो आप पहले क्लीन करते हो, फिर आप कुछ नया लिखते हो, तो वो क्लीन हो गई है इस एंडिंग के साथ, इस सैडनेस के साथ। अब कुछ नया आप दोनों एक दूसरे के साथ शुरू करोगे। सो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। आपका पर्सन अगर अनएक्सप्रेसिव रहा है, तो वो एक्सप्रेस करेगा अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपको लेकर। और मुझे लगता है कि एक ओवरवेलमिंग एनर्जी रहेगी अब इस कनेक्शन के अंदर आने वाले टाइम में। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि अभी ब्रेकअप चल रहा हो, या फिर ब्रेकअप हो चुका हो ऑलरेडी, और स्टिल सैडनेस या एक लो वाइब एनर्जी आप फील कर रहे हो। लेकिन ये मोमेंटरीली है, बहुत जल्द चीज़ें आगे चेंज होंगी। व्हेन आई सी जल्द, मुझे नहीं लगता कि दो हफ्ते से
ज़्यादा का टाइम लगेगा इस रिकन्सिलिएशन में, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड टू हैव. उसके साथ ही जब यू नो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को चेंज होने में या इस एनर्जी को बदलने में ज़्यादा टाइम लगेगा. अनदर वी डू हैव एस ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बहुत जल्द उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर आप चाहते हो. विद इन 2 weeks टाइम का मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है किसी के लिए भी. जो भी सिचुएशन है करंटली आपकी, मुझे लगता है कि बहुत जल्द चेंज हो जाएगी. बहुत जल्द मीन्स कि विद इन 2 weeks टाइम चीज़ें बदलने वाली हैं आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ. सो ये डेफिनेटली हो रहा है. मुझे लगता है कि ये जो भी आपके दरमियान में भी इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे और मूवमेंट अहेड जो है वो आप बहुत जल्द देखोगे. ब्रेकअप हो चुका है तब भी ख़त्म हो गया है, पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा अभी आपको राइट नाउ कि पॉसिबल है कि कुछ रिजॉल्व कर सके आप दोनों के इश्यूज़ को. लेकिन इवेंचुअली सारा कुछ जो है वो मिरेक्युलसली मुझे लग रहा है कि चेंज होगा. सो लेट्स सी कि आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का. Queen of Pentacles, Three of Swords, King of Wands. मुझे लगता है कि Queen of Wands. मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली ओपन अप करने वाला है. दूसरा जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है यहाँ पर, वो मुझे लग रहा है कि आप जो फैमिनिन है इस कनेक्शन में, मुझे लगता है कि वो थोड़ा डिटैच फील करना शुरू कर देगी इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ पर शायद उसको लगेगा कि जहाँ पर आप पर्सन के ऊपर इट्स मोर लाइक कि जो आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, जो पैचअप हो रहा है, वहाँ पर बेसिकली रोल्स रिवर्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे फेमिनिन जो है वो ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देगी, और जो मैस्कुलिन होगा वो जैसा था वो वैसा रहेगा, लेकिन एक्सप्रेसिव हो जाएगा थोड़ा बहुत. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कनेक्शन में जो है म्यूचुअलिटी इस तरह से आ रही है कि जो फेमिनिन है बेसिकली वो कनेक्शन को लेके ज़्यादा सीरियसली होकर कनेक्शन को डील नहीं करेगी. मैस्कुलिन जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन उसमें एक चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी कि थोड़ा एक्सप्रेशन जो है वो लव को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, वो आने को देखने को मिलेगा आपको. और अगर आप मेल हो और रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जाओगे एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन. और जो फेमिनिन है यहाँ पर, वो मुझे लगता है कि थोड़ा अनएक्सप्रेसिव होकर चीज़ों को डील करना सीखेगी, जिसके बाद ये जो कनेक्शन है वो आगे की तरफ बढ़ेगा. और मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ ही मिसिंग थी कनेक्शन में. अब मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है कि व्हाट इज़ एडिंग इस एटीट्यूड के साथ इज़ कि जो आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी मिसिंग थी, या म्यूचुअल एक एक वो था ना, व्हाट्स अ वर्ड, बैलेंस अगर हम देखें, तो हो सकता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ था. तो वो चीज़ अब मुझे बैलेंस आउट दिख रही है कि यहाँ पे आप दोनों कनेक्शन को लेके लाइट हार्टेड होके सोचोगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करोगे अबाउट द फ्यूचर, और उसकी वजह से आपका फ्यूचर जो है वो स्मूथली आगे जाएगा. जैसे अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में आप वरिड होना शुरू कर दो, वो चीज़ें कभी वर्कआउट नहीं करती. जितना आप लाइट होके चीज़ों को देखते हो, उतना आपके लिए सारी चीज़ें आराम से वर्कआउट हो जाती. तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू. आपके कनेक्शन में जो एक नया एनर्जी ऐड हो रही है, उसमें काफ़ी हद तक जो फैमिलिन शायद हो सकता है कि बहुत ऑब्सेसिव थी इस कनेक्शन में, लेकिन अब उसके एंड से जो एनर्जी लाइट हुई है, उसकी वजह से कनेक्शन जो है वो आगे एक्सप्रेसिव होने वाला है आपके पर्सन के एंड से. एंड देन कनेक्शन एग्जैक्टली वहाँ जा रहा है जहाँ पे पहले आपके ऑब्सेशन की वजह से नहीं जा रहा था. तो मुझे लग रहा है कि एक लाइट हार्टेड एनर्जी जो है वो कनेक्शन के अंदर आने वाली है, जिसके बाद एक न्यू बिगिनिंग जो है आप एक्सपीरियंस कर सकोगे अपने पर्सन के साथ. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. लाइक द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइज. टेक केयर, बाय.